नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। मैं हूं अंकुर यादव। खबर सिवनी से। सिवनी के NH7 को जब से रीवा लखनादौन फोर लेन में तब्दील करने का काम शुरू हुआ है, तब से शहर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रास्ते पर इतने गड्ढे हैं कि नजर ही नहीं आता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क पर गड्ढे। आम जनता बुरी तरह परेशान है। प्रशासन इस समस्या को देखते हुए भी त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहा है। जनता को एक डाइवर्ट मार्ग से निकाला जाता है, जिससे आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? जबलपुर से सिवनी चल रहे हैं साहब। रोज दिन में दो पट्टे तोड़ते हैं। खराब रोड में क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको? बहुत ज्यादा साहब, पैसेंजर अलग परेशान होते हैं और जाम बहुत लगता है यहाँ पे। सर, मैं जबलपुर से चला आ रहा हूँ। हाँ। हर हफ्ते में दो तीन बार मेरा गाड़ी से आना जाना होता है, लेकिन हालत ये है और आलम भी ये है कि जो NHI की रोड है ना, वो पूरी खड्डा है। जहाँ देखो डिवाइडर टूटे हैं, जहाँ देखो आपको एक्सीडेंट मिलेंगे। मैं खुद गिरते आया हूँ सर, ये देखो मेरी गाड़ी, ये देखो ये हिल रही है पूरी। दिन रात का बस यही चिक चिक है। धूल से परेशान, गाड़ी के गड्ढों से परेशान। कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है। NHI ना हुई, बरसाई हो गई। इस बारे में जब अत्यधिक वर्षा हो रही थी, उस समय ये अपने से कृषि फार्म से गुमड़ी बाईपास तक अत्यधिक रोड खराब हुई थी। उस संबंध में पत्राचार किया गया था, तब उन्होंने एक दो टाली डंफर गिट्टी डस्ट ये सर पे पेट्रोल पंप चौराहा में डाली गई जी। और उसके बाद भी कई बार पत्राचार हुआ है, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुधार कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया। रोड अत्यधिक खराब है, जिससे आए दिन जाम एवं एक्सीडेंट की संभावना, जाम तो लगते ही लगते हैं, एक्सीडेंट की भी संभावना बनी हुई है। चूँकि रोड नगर पंचायत की सीमा में है, तो नगर पंचायत का दायित्व तो बनता है कि उसमें कम से कम दिन में एक बार एक टैंकर पानी डाला जाए। ये नहीं हुआ आपकी तरफ से? पानी टैंकर उनके द्वारा डाला गया है, यहाँ चक्की में डाला जाता है एक टैंकर पानी, बस नगर पालिका द्वारा नहीं डाला गया अभी तक। तो आपके द्वारा ये मान लिया जाए कि सिर्फ खाना पूर्ति करके और नगर पंचायत हाथ में हाथ धरी बैठी? नहीं, नगर पंचायत NHI की रोड है वो। हाँ। तो उसमें सुधार कार्य में खर्चे अधिक है, बहुत गहरी गड्ढी है। नगर पालिका की थोड़ी रोड है वो। अच्छा। यहाँ से वहाँ तक NH7 में। इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम। खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।